हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर टू होगा और इस लेक्चर टू में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला, तो फ्रेंड्स ये सेक्शन फार्मूले में सबसे पहले मेन चीज़ है इसमें हमको इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन से ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन से क्वेश्चन कम आते हैं और इंटरनल डिवीजन से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन से ही आएगा। तो चलिए पहले हम इंटरनल डिवीजन को देखते हैं। तो इंटरनल डिवीजन का आपका पहला स्टेटमेंट ये होगा, इंटरनल डिवीजन का इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल डिवीजन क्या है ये आप ऐसे समझ सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the coordinates of the points which divides the line segment joining the points A x1 y1। अगर हम सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट A, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज x2 y2। इंटरनली इन द रेशियो m/n is given by PXY where x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n and y is equal to my2 plus ny1 by m प्लस एन। तो फ्रेंड्स ये इसका बेसिक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ये है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m/n इज गिवन बाई PXY वेयर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन। तो इसको ऐसे समझ जाइए, जिसे सपोज करते हैं कि ये तो एक बेसिक स्टेटमेंट है। अब मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ए और बी, ये लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट से x2 y2, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ए का कोऑर्डिनेट से x1 y1। और सपोज करते हैं पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट पी है xy, सर इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, इसके बीच में आ गया AB के बीच में, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है AB को m/n के रेशियो में। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू m/n। तो वहाँ से अगर ये m हो गया, ये लेंथ AP इज इक्वल टू m हो गया और PB इज इक्वल टू एन हो गया,
तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो पी एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x हो जाएगा हमारा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपन एम प्लस एन, जहाँ पे आपको m और n का वैल्यू पता है, x2 और x1 का वैल्यू आपको पता है, और y का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपन एम प्लस एन, जहाँ आपको y1 y2 का वैल्यू मालूम है और m और n का भी वैल्यू पता है। तो आप इस दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फाइनली आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा पी कोमा एक्स वाई। तो अब इसके हम प्रूफ को देखेंगे कि कहाँ से ये आया। तो सबसे पहले आप इसका उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स अब हम इसके प्रूफ को देखेंगे कि ये सेक्शन फार्मूला में ये आया कैसे। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, मेनली हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे। ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स, सॉरी ये ओरिजिन और ये एक्स। तो यहाँ से हमारा जैसे ये पॉइंट हमारा है ए और बी एक पॉइंट है, बी ए का कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू। तो अब एक काम करते हैं, ये P को हम यहाँ एक पॉइंट ले लिया है हमने, पी एक्स वाई, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, A का कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू और P का कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, और P इस ए बी के लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए एम, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एन, और ये एम डैश हो गया। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, एम एन और एम डैश रिस्पेक्टिवली पोजीशन पे, और यहाँ से एक हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी एन पे, सच डेट की हमारा जो ये क्या कहते हैं, ये जो इंटरसेक्ट करेगा, हम सपोज करते हैं कि इसको हम सी बोल देते हैं, और फिर एक हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी बी एम डैश पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बी एम डैश पे, तो वहाँ से ये परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ कर दिए, तो वो हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमको दो ट्रायंगल मिल गया, ए पी सी और पी बी डी, ए का कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन, बी पी का कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, डी का कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू। तो अब फ्रेंड्स अब यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ फंडा यूज करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जो ओ एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू एक्स वन हो जाएगा और हमारा ओ एन जो हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यह एक्स वन मैंने लिखा है यहाँ पे, ओ एम इज एक्स वन क्योंकि यहाँ ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स वन और ओ एन एन का कोऑर्डिनेट से एक्स, एन का एक्स सॉरी ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू एक्स क्योंकि पी का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स। और तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम एन, जो आ जाएगा एम एन कितना आ जाएगा, एम एन को हम ए सी के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इसके पैरेलल है और इसके इक्वल भी है, तो इस चलिए इसको हम लिख देते हैं ए सी, एम एन इज इक्वल टू ए सी, और एम एन इज इक्वल टू ए सी हम मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, तो सिंपली ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो
तो एसी का कोई एसी का लेंथ आ गया एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि ओ एन तक हमने कैलकुलेट कर रखा है, अब ओ एम डैश को देखते हैं। ओ एम डैश इज इक्वल टू एक्स टू, आप चेक कर लीजिए। ओ एम डैश इज इक्वल टू एक्स टू अगर हो जाएगा तो हमारा जो एन एम डैश हो जाएगा, एन एम डैश इज इक्वल टू पी डी के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा पी डी के इक्वल। और पी डी को हम जैसे एन एम डैश को क्या लिख सकते हैं, ओ एम डैश माइनस ओ एन इज इक्वल टू ओ एम डैश एक्स टू माइनस ओ एन, ओ एन इज एक्स। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हम इसको पी सी और बी डी को कैलकुलेट करते हैं। तो पी सी हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ए एम जो हो गया, ए एम इज इक्वल टू वाई वन हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पे कि ए एम जो है यहाँ पे हमारा वाई वन लेंथ हो जाएगा और ए एम इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो सी एन के इक्वल हो जाएगा। और सी एन का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, क्योंकि ए एम इज इक्वल टू एक्स वन है और वो सी एन के इक्वल है, तो सी एन का भी लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, सॉरी वाई वन हो जाएगा, वाई वन मैं गलती से एक्स वन बोल दिया, ये वाई वन हो जाएगा। तो और यहाँ से पी एम पी एन का ये क्या कहते हैं, पी एन का लेंथ कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए चेक कर लीजिए यहाँ से, सबसे पहले ए एम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एम इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू वाई वन। और उसके बाद फिर आपको ये पी एन, पी एन इज इक्वल टू ये वाई वन है, पी एन, पी एन इज इक्वल टू वाई। तो पी सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सी इज इक्वल टू पी एन माइनस सी एन, पी एन माइनस सी एन। तो ये कितना हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू वाई और सी एन इज इक्वल टू वाई वन। और उसी तरह से आप जब ये हमारा पी सी कैलकुलेट हो गया तो आप बी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बी डी के लिए हमारा जैसे बी एम डैश जो हो गया, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो डी एम डैश हो गया, डी एम डैश इज पैरेलल टू पी एन, और ये एक रेक्टेंगल है, कौन सा, एन पी डी एम डैश, एन पी डी एम डैश एक रेक्टेंगल है। तो डी एम डैश इज पैरेलल टू डी एन, सॉरी पी एन, तो डी एम डैश इज इक्वल टू पी एन। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डी एम डैश इक्वल टू पी एन, पी एन। पी एन और ये पी एन जो हो गया है वो हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि डी एम डैश इज इक्वल टू वाई हो गया। अब हमारा फाइनली एक और चीज़ कैलकुलेट करना है, बी एम डैश, बी एम डैश इज इक्वल टू, बी एम डैश को कैलकुलेट नहीं करना, बी एम डैश का कोऑर्डिनेट्स यहाँ ऑर्डिनेट दिया हुआ है बी का वाई टू, तो बी एम डैश आप चेक कर सकते हैं वाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, बी डी का, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम डैश माइनस, बी एम डैश माइनस डी एम डैश। तो बी एम डैश का कोऑर्डिनेट, बी एम डैश का वैल्यू है वाई टू और डी एम डैश का वैल्यू है वाई, क्योंकि ये पी एन के इक्वल है, मैं आपको पहले ही इसको बता चुका हूँ, तो ये वाई हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास बेसिकली एसी का लेंथ आ गया है, एसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है,
AC इज इक्वल टू x माइनस x1, और AC का लेंथ आ गया, PD का लेंथ आ गया x2 माइनस x। सिमिलरली हमारे पास BD का लेंथ आ गया है y2 माइनस y, और सिमिलरली उसी प्रकार BD का जब लेंथ आ गया y2 माइनस y, तो यहाँ पे PC का लेंथ आ गया y माइनस y1। तो मैं इसको यहाँ साइड में एक बार लिख देता हूँ, किसका जिसका लेंथ आ गया है AC इज इक्वल टू x माइनस x1, और PD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x माइनस x1, और PD इज इक्वल टू x2 माइनस x। सिमिलरली PC इज इक्वल टू, PC आप चेक कर लीजिए y माइनस y1 है, और आपका फाइनली एक और लेंथ बचा हुआ है BD। BD इज इक्वल टू y2 माइनस y। तो ये चारों लेंथ आपको आपके पास आ गया। अब इस दोनों में हम कुछ कंडीशन, अब इस दोनों ट्रायंगल में हम कुछ कंडीशन लगा देंगे, जैसे ट्रायंगल ABC और PBD, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, तो ये दोनों सिमिलर, आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री एक ट्रायंगल हो गया, और फ्रेंड्स AC पैरेलल है PD के, P और D AC इज पैरेलल टू PD। तो जब AC पैरेलल टू PD हो गया और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो बाई AA सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और PBD सिमिलर है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी बी डी, ये दोनों, तो पहला बात आपको ये हो गया सिमिलर हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी डी। चेक कर लीजिए, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी डी, पी सी अपॉन बी डी, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे ए पी का लेंथ कितना है, ए पी इज टू पी बी, मैं एम एज टू एन लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है इस दोनों को, ए बी के ज्वाइन को एम एज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एम अपॉन एन ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी, ए सी का मैं लेंथ यहाँ से निकाल चुका हूँ एक्स माइनस एक्स वन, और पी डी का एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पी सी, पी सी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी डी, बी डी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एम इज टू एन इज इक्वल टू एक्स टू, सॉरी यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, और एम एस टू एन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एम एस टू एन इसके भी इक्वल है वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। तो यहाँ से फाइनली आपके पास आ जाएगा एम एक्स टू प्लस
in x1 is equal to mx2 plus nx1 is equal to x, मैं यहाँ से कॉमन ले लिया, m प्लस एन हो जाएगा। चेक कर लीजिए, एन एक्स और एम माइनस एम एक्स साइन है, जब उस साइड देगा तो प्लस एम एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ से x का फाइनली कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये तो हो गया आपको x का कोऑर्डिनेट्स। अब मैं y का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे तो सोल्व कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे m m m m बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन वाई टू माइनस वाई दिया हुआ है, तो एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एन वाई प्लस एम वाई। तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। आप चेक कर लीजिए, ये इधर से मैं जब दोनों टर्म में से y को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा m प्लस एन, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा इक्वल टू y के। तो ये अब आगे x का कोऑर्डिनेट्स और ये हो गया y का कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये तो इसका प्रूफ था, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको प्रूफ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए फोर कोमा माइनस थ्री एंड बी नाइन कोमा सेवन इंटरनली इन द रेशियो थ्री इज टू टू। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है फोर कोमा माइनस थ्री, हम इसको बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो तो गिवन ही है, और बी यहाँ पर है 9.7, और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना उस पॉइंट का। जैसे सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा P का सपोज करते हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना, और इसका कोऑर्डिनेट्स हम सपोज करते हैं एक्स कोमा वाई। एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन एकदम, P एक्स कोमा वाई है। तो हमारा ये हो गया कि इन द रेशियो थ्री टू टू में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा और बी पी इज इक्वल टू टू यूनिट्स जाएगा। अगर ए पी इज इक्वल टू थ्री यूनिट्स होता है तो बी पी इज इक्वल टू टू यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसलिए इसके अंदर है, ये इस लाइन सेगमेंट के में इस ये पॉइंट है ए बी, लाइन सेगमेंट के इनसाइड में ये पॉइंट है पी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे ए का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवेन है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवेन है, और आपको पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और ए पी का लेंथ हो जाएगा आपको थ्री और बी पी का लेंथ हो जाएगा टू। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे हम किसको टू ले और किसको थ्री ले, तो ये बोल रहा है कि इन द रेशियो थ्री टू टू। तो अगर आप इसको जैसे ये हमारा जो पॉइंट्स है, ये ए एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, तो ये एम एस टू एन हो गया, यानी कि ये आपका पहला ये हो गया थ्री, ए पी इज इक्वल टू थ्री और बी पी पी बी इज इक्वल टू टू, ऐसा आप इसको ले सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक्स वन का वैल्यू कितना है फोर है, एक्स टू का वैल्यू हो गया हमारे पास नाइन, वाई वन का वैल्यू हो गया माइनस थ्री, y2 का वैल्यू हो गया 7, m का वैल्यू हो गया 3 यूनिट्स और n का वैल्यू हो गया 2 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जैसे ये तो हमारा क्वेश्चन था, अब देखिए इसमें हमारे पास इसका वैल्यू सॉल्व करना है x का। तो ये तो मैं आपको अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन
एम प्लस एन हो जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स टू, थ्री इंटू नाइन प्लस एन, एन इज टू, और एक्स वन, एक्स वन इज फोर अपॉन एम प्लस एन, थ्री प्लस टू। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन, फोर टू या एट, थ्री टू फाइव, तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी फाइव बाई फाइव, डेट इज फाइव सेवन सेवन, ये हमारा सेवन हो जाएगा। तो यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया सेवन। अब सिमिलरली अगर हम वाई का वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास वाई आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम का वैल्यू है थ्री, थ्री इंटू वाई टू, वाई टू थ्री सेवन प्लस एन, एन का वैल्यू है टू, और वाई वन का वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन, और ये एम प्लस एन को अगर दोनों का ऐड कर देती हो जाएगा फाइव। तो सेवन थ्री या ट्वेंटी वन माइनस सिक्स अपॉन फाइव, डैट इज थ्री। तो चेक कर लीजिए, ट्वेंटी वन माइनस सिक्स फिफ्टीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री। तो ये जो पी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, सेवन और थ्री, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा आया पी सेवन इज टू थ्री, सॉरी सेवन कोमा थ्री, ये हमारा फाइनल आंसर, ये पी का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चन। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल डिवीजन का, इनवर्ट रेशियो एट द पॉइंट पी टू कोमा माइनस फाइव, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए माइनस थ्री कोमा फाइव एंड बी फोर कोमा माइनस नाइन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे अगर दो पॉइंट हो गया ए बी, इसका लाइन ए बी लाइन सेगमेंट है और इसमें दो पॉइंट हो गया ए बी, तो ए का कोऑर्डिनेट्स है माइनस थ्री कोमा फाइव, माइनस थ्री कोमा फाइव, और बी का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है फोर कोमा माइनस नाइन, और एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है टू कोमा माइनस फाइव, जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जिस रेशियो में इंटरनल इसको डिवाइड करेगा, वही रेशियो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ए का कोऑर्डिनेट्स अगर माइनस थ्री कोमा फाइव है, पी का कोऑर्डिनेट्स है टू कोमा माइनस फाइव, और बी का कोऑर्डिनेट्स है फोर कोमा माइनस नाइन, तो पी ए बी के लाइन को ज्वाइंट सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट पी इस पे आ गया अभी, सच डेट ए पी अपॉन बी पी का वैल्यू क्या है। ये हमसे क्वेश्चन ये बोला है कि ए पी अपॉन पी बी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जैसे हम अगर सपोज करते हैं कि ए पी अपॉन, ये तो हमारा पहले क्वेश्चन हो गया, मैं इसे अलग कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए पी अपॉन बी पी, पी बी और बी पी दोनों इक्वल ही हैं, इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम एच टू एन, एम बाई एन मैं ले लिया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर हम P का कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें, तो P का कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि इसका X कोऑर्डिनेट हम लिखें, तो जैसे इसका X कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, जैसे X है P, X इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो और X किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, तो हम यहाँ टू लिख देते हैं बस, और M, और यहाँ x1 y1 मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। x1 का वैल्यू है माइनस थ्री, x2 का वैल्यू है फोर, y1 का वैल्यू है फाइव, और y2 का वैल्यू है माइनस नाइन। तो ये तो आ गया, अब ये तो सिंपल सा चीज़ है, ये मैं वहाँ से पिकअप कर लिया और लिख दिया
m x2 is 4 plus n x1 minus 3 upon m plus n. तो ये तो 2 के इक्वल है, x आपको 2 के इक्वल है. अब यहाँ से आप m इज़ टू n का वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे होता है, जैसे ये हो जाएगा हमारा 2m प्लस 2n इक्वल टू 4m माइनस 3n. आप चेक कर लीजिए 2m प्लस 2m प्लस 2n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और ये हो गया 4m माइनस 3n. तो अभी हमारे पास फाइनली हो जाएगा 2m 2n प्लस 3n इक्वल टू 4m माइनस 2m 5n इज इक्वल टू 2m. तो यहाँ से m इज टू n हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज टू 2. इसका मतलब ये हुआ कि इस ये जो रेशियो है 5 इज टू 2 का रेशियो है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 5 इज टू 2. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो पहले ये तो मैं यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट्स लेके सॉल्व कर दिया. आप वाई का भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं. वाई का वैल्यू, वाई का कोऑर्डिनेट्स है माइनस 5, और वहाँ से आप सिमिलरली एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन अगर आप यूज कर ले तो वहाँ से भी आपको सेम आंसर आ जाएगा, 5:2 ही आएगा. तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ड्राइंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले मैं आपको आसानी से एक फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ. सपोज करते हैं कि ये 1, 3 कोई पॉइंट पी ए है और 2, 7 कोई पॉइंट बी है. तो ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1, 3 और बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2, 7. ये तो क्लियर बात है. ए मैं इसको एज्यूम कर लिया और इसको मैं बी एज्यूम कर लिया. ए का कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 और बी का कोऑर्डिनेट्स है 2, 7. तो अब फ्रेंड्स अब ये बोल रहा है कि 3x प्लस वाई माइनस 9 मानते हैं ये वाला लाइन अगर ऐसे जाता है, ये लाइन का ये स्ट्रेट लाइन मैं जो ड्रॉ कर लिया हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ये जो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये सपोज करते हैं इसको पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया और इसका कोऑर्डिनेट्स है x3, y3. चेक कर लीजिए, नोट कर ली, सॉरी यहाँ पे आप सही से देख सकते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट से 1, 3, बी का कोऑर्डिनेट से 2, 7 और पी का कोऑर्डिनेट्स मैं ले लिया x3, y3. ठीक है, और ये पी का जो कोऑर्डिनेट्स है ये x3, y3 है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. कहने का ये मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो ए और ए बी के ज्वाइन को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करता है और पॉइंट पी पे कट करता है. तो हमसे उसका रेशियो पूछा है कि ए पी अपॉन बी पी क्या होगा, ए पी अपॉन बी पी का रेशियो पूछा है. ये क्वेश्चन गिवन है, सॉरी ये रेशियो हमें निकालना और बाकी चीज़ गिवन है. तो मैं सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ कि P को x3, y3 ले लेता हूँ. अब देखिए आगे कैसे होता है. हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था. तो फ्रेंड्स अगर हम सपोज करते हैं कि ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू एम एस टू एन अगर मैं ले लिया, तो अब आप इसका आसानी से P का कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं और यहाँ से x1, y1 सपोज करते हैं कि A का कोऑर्डिनेट से x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट से x2, y2. तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से
एक्स वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर हम मतलब एज्यूम कर लिए कि ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा वन और एक्स टू का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा टू। सिमिलरली वाई वन का वैल्यू आ जाएगा थ्री और वाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा सेवन। और ए पी इज इक्वल टू एम यूनिट्स है और बी पी इज इक्वल टू एन यूनिट्स है, और इसी को हमको सोल्व करना है, ये रेशियो सोल्व करना है कि ये रेशियो क्या हो रहा है। तो उस अब इस तीनों के हेल्प से जितना चीज़ गिवन है उसके और जितना चीज़ हम एज्यूम कर लिए उसके हेल्प से हम पी का कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स थ्री मैं एज्यूम कर रखा हूँ, एक्स थ्री है तो एक्स थ्री मैं एज्यूम कर रखा हूँ, तो एक्स थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली सेम फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक्स थ्री क्या आ जाएगा एक्स थ्री इज इक्वल टू एम एक्स टू यानी कि टू एम प्लस एन एन एक्स वन प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। ये आप चेक कर लीजिए एक्स थ्री का कोऑर्डिनेट्स आ गया टू एम प्लस एन, टू एम प्लस एन, एक्स वन का वैल्यू है आपको वन और एन से मल्टीप्लाई किया था एन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली वाई थ्री का कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएगा वाई थ्री इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो वाई थ्री का कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम वाई टू एम इंटू वाई टू सेवन एम प्लस वाई वन एन इंटू वाई वन, इसका मतलब एन इंटू थ्री डेट इज थ्री एन अपॉन एम प्लस एन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि एक्स थ्री और वाई थ्री का कोऑर्डिनेट्स आ चुका है, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट्स आ गया। पी का कोऑर्डिनेट्स हम ए पी अपॉन बी पी को एम एस टू एन लेके सोल्व किए तो ये हमारा एक्स थ्री और वाई थ्री का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये तो आपको एकदम आसानी से दिख रहा होगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स थ्री प्लस वाई थ्री माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब आप यहाँ पे एक्स थ्री का वैल्यू पुट कर दीजिए और वाई थ्री का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो देखिए आपको यहाँ पे ये मिलेगा थ्री इंटू टू एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन प्लस वाई थ्री सेवन एम प्लस थ्री एन अपॉन एम प्लस एन माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ये तो एकदम सिंपल सा बात है थ्री एक्स थ्री प्लस वाई थ्री माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स थ्री वाई थ्री थ्री एक्स प्लस वाई माइनस लाइन पे माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो के लाइन पे लाई कर रहा है। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो देखिए ये ऊपर में थ्री टू या सिक्स एम हो जाएगा प्लस थ्री एन और नीचे में एम एम प्लस एन तो सेम रह जाएगा एम प्लस एन एलसीएम हो जाएगा एम प्लस एन प्लस सेवन एम प्लस थ्री एन माइनस नाइन एम माइनस नाइन एन इक्वल टू जीरो। ये तो एकदम सिंपल सा चीज़ आ गया। अब देखिए अब यहाँ से ये एम एच टू एम प्लस एन उस साइड जाएगा आर एच एस में तो ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड में सोल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सिक्स एम है प्लस सेवन एम, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन एम, सिक्स एम प्लस सेवन एम थर्टीन एम माइनस नाइन एम डेट इज फोर एम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर एम और ये हो गया थ्री एन प्लस थ्री एन सिक्स एन
6n minus 9n minus 3n minus 3n equals to 0. So 4m is equal to 3n. तो m is to n जो आ गया हमारे पास, जिसका हमें निकालना है वैल्यू, वो आ गया 3/4. ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा. तो m is to n is equal to 3/4. तो अब आपका जो रेशियो आ गया, डिटरमाइन द रेशियो इन बी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट tx प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7. तो ये जो रेशियो है, ये हमारा हमारे पास 3:4 हमारा फाइनल आंसर है. तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर 2 यहीं पे ओवर होता है और आगे नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले में एक्सटर्नल डिवीजन. तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.